विद्यार्थियों देखो, अपन ने अग्र और पश्चिम नीति किया था, तो अग्र और पश्चिम नीति में अपन ये वी और आई का ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं अग्र अभिनीति के लिए करूँ तो मेरे लिए यहाँ पर प्लस वी और ये यहाँ पर कितना आता है, माइनस वी वोल्टेज लेके चलता हूँ, करंट आई को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, करंट आई को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा और अच्छे से बता देता हूँ। ये मेरे पास ग्राफ है, एक्स अक्ष पर ये पॉजिटिव वी लेके चल रहा हूँ और यहाँ पर निगेटिव वी लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर करंट आई लेके चलता हूँ इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, और ये मेरे पास क्या कहलाता है, करंट आई, ये आएगा माइक्रो एम्पियर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ अग्र अभिनति, और यहाँ पर मेरे पास कैसा आएगा, ये पश्य अभिनति, ठीक। अब मैं वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करता हूँ, तो जैसे ही मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ यहाँ पर अग्र अभिनति में, तो धारा का मान चरघातांक के रूप में बढ़ता है और यहाँ पर जाके इसका मान कैसा होता है, अचर हो जाता है, और यहाँ पर मैं छोटे छोटे पार्ट में प्रतिरोध को निकालता हूँ, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में करूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये डेल, ये मेरे पास क्या हो गया, डेल आई और डेल बी के इक्वल हो गया। अब यहाँ से धारा मेरे पास जो बहती है, जैसे जैसे मैं अग्र अभिनीति में वी का मान बढ़ाता हूँ, धारा आई का मान भी कैसा होता है, बढ़ता जाता है, और फिर धारा का मान कैसा हो जाता है, निश्चित हो जाता है। इसको मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, सैचुरेशन करेंट, या यहाँ पर मैं धारा को बोलता हूँ संतृप्त धारा बोलता हूँ, और ये धारा कैसे होती है, अचर हो जाती है, ठीक है। अब मैं आता हूँ पश्चिम नीति में, तो पश्चिम नीति में क्या होता है, पश्चिम वोल्टेज को आप बढ़ाते जाइए, धारा अप्रोक्सीमेट कैसी होती है, अचर होती है, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर धारा यहाँ पर माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक भावों के कारण होती है, इसलिए यहाँ पर पश्च वोल्टेज को आप बढ़ाते जाइए, धारा का मान नहीं बढ़ता, वो लगभग अचर होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर धारा का मान कैसा होता है, एकदम से बढ़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज बोलते हैं। ये मेरे पास क्या कहलाता है, जेनर वोल्टेज कहलाता है, और इस क्षेत्र का उपयोग हम यहाँ पर धारा रेगुलेट करने में करते हैं। यह मेरे पास पश्च अभिनीति का ग्राफ कहलाता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, अग्र अभिनीति में, अग्र अभिनति में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान, धारा का
मान चर घातांकी, चर घातांकी रूप से बढ़ता है फिर जाकर स्थिर हो जाता है जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक, तो देखिए धारा का मान मैंने यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा का मान चर घातांकी रूप से यहाँ पर बढ़ता है और यह धारा का मान यहाँ पर जाके कैसा होता है, अचर हो जाता है। इसमें और मैं ऐसा कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा होता बढ़ता है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ मैं, ऐसा जाता है और इसको डेल आई और डेल भी कर देता हूँ। ठीक है, इसमें ये आपको धारा यहाँ पर कांस्टेंट मिलने लगती है। ठीक, अब क्या हो जाता है हमारे पास, पश्चविनीति में, पश्च अभिनति में पश्च वोल्टेज बढ़ाने पर, पश्च वोल्टेज बढ़ाने पर धारा लगभग शून्य या अचर होती है, अचर होती है क्योंकि धारा अल्प संख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। एक विशेष वोल्टेज पर धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है
इसे जैनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। इसको सभी छात्र बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे।